क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने विजयी आगाज किया है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 23वां शतक जड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 22 इंटरनेशनल वनडे शतक है। रोहित शर्मा ने इसी मैच में बतौर ओपनर 8000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए, साथ ही 12000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। रोहित की 122 रनों की पारी में मैच जिताओ पारी की मदद से भारत ने आईसीसी विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया। भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में सबसे शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर 49 शतकों के साथ, 41 विराट कोहली के नाम, 23 रोहित शर्मा के नाम, 22 सौरव गांगुली के नाम, 16 शिखर धवन के नाम और 15 वीरेंद्र सहवाग के नाम है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं 11 छक्कों के साथ। फिर आते हैं एमएस धोनी 10 छक्कों के साथ, शिखर धवन 9 छक्कों के साथ, वहीं विराट कोहली केवल 3 छक्कों के साथ। स्कोर चेंजिंग में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली 25 शतक, सचिन तेंदुलकर 17 शतक, क्रिस गेल 12 शतक, तिलक रत्न दिलशान 11 शतक और रोहित शर्मा 11 शतक। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले देश हैं इंडिया 26, ऑस्ट्रेलिया 26, श्रीलंका 23, वेस्ट इंडीज 17, न्यूजीलैंड 15, साउथ अफ्रीका 14, पाकिस्तान 14 और इंग्लैंड 13। बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 144 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 122 रनों की पारी खेली। रोहित ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और एक छोर पर शुरू से खड़े रहे। रोहित ने पहले 50 रन 70 गेंदों में बनाए और अगले 50 रन 57 गेंदों में पूरे किए। रोहित हालांकि एक छोर पर शुरू से खड़े थे और इसीलिए विकेट से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद उन्होंने अपने शॉट खेले और अंत तक खड़े होकर टीम को जीत दिलाकर लौटे। यह दक्षिण अफ्रीका की इस विश्व कप में लगातार तीसरी हार है। वह इंग्लैंड और बांग्लादेश से मात खाकर इस मैच में आई थी। हालांकि भारत को यह जीत आसानी से नहीं मिली। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज के सामने भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। भारत को 228 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे वो संघर्ष करते हुए 47.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर सकी।